सलीम अंकल यहाँ पर है बॉम्बे में, और सोहेल भाई भी बॉम्बे में है, बाकी सारे जितने भी घर के लोग हैं वो सारे फार्म पर हैं। ही ऑफर्ड मी बॉडीगार्ड बट दी अदर रूल, जिसको मैंने मना कर दिया। मैंने सलमान सर को बोला कि मुझे ये नहीं करना है। माई डोनेशन इज माई डोनेशन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आईडी जी, हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। लोग पूछ रहे हैं सलमान भाई के साथ अगली मूवी कब आएगी। अच्छा, ये सवाल तो मेरा भी है खुद से, पता नहीं जब होगी तब होगी, जब कोई सही स्क्रिप्ट आएगी जिसके अंदर कास्टिंग सही होगी, जहाँ पे मेरा बैठना सही बनता है कैरेक्टर को, अगर मैं सूट करती हूँ तो ऑब्वियसली फिल्म जल्दी आएगी। बट देन अगेन, सलमान सर के किटी में अभी इतने सारे प्रोजेक्ट लाइंड अप है, तो देखते हैं, वो फिंगर्स बेचारे क्रॉस्ड। खुद फंसे हुए हैं अभी। उनका वीडियो मैसेज देखा आपने, काफी इमोशनल मैसेज जी था जी अपनी हर कोई फैमिली को फंसा मिस हुआ है। कर वो रहे। एक्चुअली फार्म पे है, वो उनके फार्म पे है उनकी फैमिली के साथ, पर सलीम अंकल यहाँ पर है बॉम्बे में, और सोहेल भाई भी बॉम्बे में है, बाकी सारे जितने भी घर के लोग हैं वो सारे फार्म पर हैं। डेजी, आर यू प्लानिंग टू डोनेट फॉर पीएम फंड्स? व्हाई आर यू इग्नोरिंग दिस क्वेश्चन? आई एम नॉट इग्नोरिंग दिस क्वेश्चन, बट इफ यू हैव अंडरस्टूड, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मानते, जो ये समझते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, तो मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया है, मुझे बाहर नहीं बताना किसी को, वो मेरा मानना है, और दिस इज द वे आई ऑपरेट, सो आई डोंट हैव टू से इट आउट लाउड वेदर आई हैव डोनेटेड और नॉट। राइटली सेड देसी, क्योंकि जैसे काफी ऐसे स्टार्स हैं, मिस्टर बच्चन की बात करें, सलमान खान इवन, उन लोगों ने बहुत सारी चीजें की लेकिन उन्होंने कभी उसके बारे में ट्वीट नहीं किया या कभी बताया नहीं। वो एग्जैक्टली चीज एग्जैक्टली मीडिया के जरिए बाहर आई। जी सेम गोज विद यू। मुझे मालूम है आपने अपनी तरफ से काफी कुछ किया है लेकिन वो आप बताना नहीं चाह रही है, तो लोग, मुझे समझ नहीं आता कि हर चीज को देखो जाहिर क्या होता करना है क्यों ना चाहते हैं। यहाँ पे, ये सोशल मीडिया का प्रॉब्लम क्या है, आप बताओ तो प्रॉब्लम है, ना बताओ तो प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ पे दो चीजें चलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, अगर हमने बताया कि हमने ये किया है तो वो बोलते हैं कि शो ऑफ कर रहे हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर अरे कुछ तो करो, क्यों नहीं कर रहे हो, तो इंसान करे क्या? सो देयर आर ईदर यू प्लीज देम और यू डोंट। अगर आपने अनाउंस भी कर दिया कि आपने डोनेट किया है, सो देयर इज वन लॉट ऑफ पीपल हु लाइक इट, बट द अदर लॉट ऑफ पीपल आर गोना से हाँ शो ऑफ क्या कर रहे हो, अगर किया है तो किया है ना, तो अच्छी बात है, अब दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। और अगर डोनेट करके चुप रहो ना बताओ, तो ये वाले लोग बोलते हैं कि अरे डोनेट तो करो, शर्म नहीं आती, डोनेट नहीं किया है। सो देयर इज नो वे, आप जिंदगी में सबको खुश कभी नहीं कर सकते। द ओनली पर्सन दैट यू हैव टू प्लीज इज योर सेल्फ। आप उनको रेस 3 वाले डायलॉग उनको बोल के बता दीजिए, माय डोनेशन इज माय डोनेशन। माई डोनेशन इज माई डोनेशन, नन ऑफ योर डोनेशन। और या तो फिर ये सही तरीका ये होगा, माई डोनेशन इज माई डोनेशन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। लॉकडाउन की वजह से काफी चीजें आपकी, जो आपके प्रोजेक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो गए, रुक गए हैं। उसके अलावा ये था कि आपका जो क्लोज एंड पर्सनल वाला टूर था सलमान खान वाला, वो भी मेरे ख्याल से आगे जी पोस्टपोन हो गया है। तो जो आपके फैंस थे हाँ जो काफी दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे, जो बाहर में फॉरेन में रहते हैं, आप लोग आएंगे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक बहुत दुख देने वाली खबर है। वैसे देखा जाए तो हाँ, क्योंकि वी मी सलमान कमाल सुनील, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द टूर, अनफॉर्चुनेट। इंशाल्लाह जब हम अगली बारी, जब भी ये लोग प्लान करते हैं और जब भी डेट्स मैच होती है, जब जाएंगे तब जितना मजा इस बारी करने वाले थे उसे डबल मजा ही करके आएंगे। जय हो कैसे मिली आपको? पहली जो हिंदी फिल्म थी, इतनी बड़ी फिल्म और इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार के साथ आप फिल्म कर रही थी, वो एक्सपीरियंस और फिल्म कैसे मिली उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो मैं साउथ फिल्म्स कर ही रही थी, पर मैंने असिस्टेंट कोरियोग्राफी करना नहीं छोड़ा था, तो मैं जब भी अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके बॉम्बे आती थी, मेरा बेस बॉम्बे ही रहा है हमेशा, मैं कभी भी साउथ सेटल नहीं हुई हूँ।
तो जब भी मैं बॉम्बे वापस आती थी तो ऑब्वियसली 4-5 महीने का गैप मिलता था बीच में अगली फिल्म स्टार्ट होने के पहले. तो अब 4-5 महीने तो घर बैठ नहीं सकते, इंसान बोर हो जाता है. तो वो जो टाइम पीरियड था उसके अंदर मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफी कर रही थी, और उसी के अंदर हम दबंग का जो फर्स्ट दबंग थी उसका सॉन्ग टाइटल ट्रैक करने गए थे वाई. तो वहां पे जब सलमान सर मुझे मिले तो मैंने सलमान सर को बोला कि पहले तो उन्होंने पूछा कि कहाँ, क्योंकि गणेश जी ने बहुत सारे गाने कर लिए थे बीच में उनके साथ और मैं नहीं थी. तो सलमान सर ने मुझे पूछा कि अरे पिछले गानों में नहीं थी, कहाँ थी, क्या कर रही है. सो दैट्स व्हेन आई टोल्ड हिम कि सर मैंने एक्टिंग स्टार्ट की है, सो आई एम डूइंग साउथ फिल्म्स एंड दिस इज अ फिलर फॉर मी. तो जब भी मैं बॉम्बे में रहती हूँ तो जस्ट टू कीप माई माइंड बिजी, आई कांट बी सिटिंग एट होम, आई हैव टू डू समथिंग, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई हैव. आई थिंक वहां से सर के दिमाग में ये चालू हो गया, सलमान सर के दिमाग में, कि अच्छा ये बंदी एक्टिंग भी कर रही है, तो कभी आगे जाके अगर कोई फिल्म मिली जिसके अंदर हम इसको रोल दे सकते हैं या कास्ट कर सकते हैं, सो ही केप्ट मी इन हिज माइंड एंड देन ही ऑफर्ड मी बॉडीगार्ड, बट द अदर रोल जिसको मैंने मना कर दिया. मैंने सलमान सर को बोला कि मुझे ये नहीं करना है. एंड तो मुझे तो लगा कि यहाँ पे तो पत्ता कट गया, मतलब सलमान सर को कोई मना तो नहीं कर सकता है. बट समहाउ आई मैनेज टू से नो टू हिम. एंड देन आफ्टर ईयर ईयर एंड अ हाफ सलमान सर का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि एक ऑडिशन है जिसको तुम्हें देना है, एंड देन इफ यू गेट सिलेक्टेड वी विल सी व्हाट वी डू. आई गेव द ऑडिशन, आई पास द ऑडिशन एंड दैट्स हाउ आई गॉट जय हो.